हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी से सभी क्लास को ज्वाइन कर लें। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस पे, तो मैंने आपको बताया था फूड न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इन पे 50 इंपॉर्टेंट MCQs की। ठीक है, सभी क्लास में जुड़ जाएँ ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें और क्लास को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है ये हमारे पास। तो बाकी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि जब क्लास हमारी होती है वो मैं डेली आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। चलिए, तो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है? हमारे सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड आर ऑब्जॉर्ब बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ, उसे क्या कहा जाता है? एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल जो कंज्यूम्ड किया जाता है या ऑब्जॉर्ब्ड किया जाता है बाय ह्यूमंस या एनिमल्स के थ्रू या प्लांट्स के थ्रू इन ऑर्डर टू सस्टेन को लाइफ को सस्टेन करने के लिए और ग्रोथ को, फूड कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, या फिर यहाँ पर ये ऑप्शन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट है और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। बताएं आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारे पास फूड होती है, फूड क्या है? फूड इज एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड और ऑब्जर्व बाय ह्यूमंस एनिमल्स और प्लांट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। देखिए, जब हम बात करते हैं फूड की, द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। सोर्सेज तो हमें पता है ना, एनिमल्स होते हैं और हमारे पास प्लांट्स होते हैं, और इट इज़ कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम की जाती है क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड न्यूरिशमेंट करती है एंड कीप्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स हेल्थी, और ये क्या रखती है? ह्यूमंस को हेल्थी रखती है और एनिमल्स को हेल्थी रखती है। देखें, जो आप में से किसी ने वो थ्योरी का पोर्शन नहीं देखा तो मैं एक काम करूँगा, इसी वीडियो के जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश इज़ द मूड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी, कि किसका जो ये कौन से मूड ऑफ, मतलब ये कौन सा मूड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो टेक करते हैं फूड को, फिर यूटिलाइजेशन होती है बॉडी के थ्रू, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नन ऑफ दीज। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोड़ा दिमाग से देना लगा के, इस क्वेश्चन का आंसर न्यूट्रिशन ही है। हम मानते हैं कि ये भी टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, बट हमें मूड पूछा गया कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें यूटिलाइजेशन भी करता है बॉडी से, तो सबसे पहले जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स जिसमें अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक फूड देमसेल्फ, यानी जिसमें वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स में गिने जाते हैं। ऑटो का मीनिंग कल बताया था मैंने आपको, सेल्फ, यानी कि जो खुद अपना खाना तैयार करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम है ना, हम हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो इक्वल टू सेल्फ और ट्रॉप्स का मीनिंग होता है नूरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर, न्यूट्रिशन ज़रूरी किस लिए है? ग्रोथ के लिए है या टू प्रमोट अवर हेल्थ के लिए है या फिर बोथ है एंड बी एन ऑफ दीज? तो याद रखना, न्यूट्रिशन जो है ये असेंशियल होती है हमारे पास किसके लिए? दोनों चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए भी और प्रमोट करने के लिए ओवरऑल हेल्थ को भी। देखिए, आपका ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर एक आपका एक जो सिलेबस है ना, हर एक चैप्टर को 10-10 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर हर एक टॉपिक आपके लिए मस्ट हो जाता है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बाकी देखें, यहाँ पे अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं आपको जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूँगा, आप नंबर में आपको लास्ट पे दे दूँगा जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, वो आपको हमें मैसेज करके वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, यूट्यूब पे तो आप हो ही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछा गया, फूड जनरेट्स इनर्जी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ, के जो फूड्स होती है ये जनरेट्स करती है इनर्जी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के बाद? डाइजेशन के बाद,
इंजेशन के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे पास फूड जनरेट्स एनर्जी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ द अबव यानी डाइजेशन। देखें आप जो खाना क्या करते हैं, इनगुल्फ करते हैं, यानी आप जो खाना खाते हैं फिर वो हमारे पास उसकी डाइजेशन होती है, मतलब इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेशन होती है, फिर ऑब्जॉर्ब्ड होता है, और फिर आपको पता है एसिमिलेशन भी एक प्रोसेस है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। याद रखना फूड जनरेट्स जो होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंजेशन, ये जो एनर्जी को जनरेट्स करती है ऑब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच न्यूट्रिएंट्स इज आर कॉल्ड बॉडी फ्यूल्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी फ्यूल्स भी कहा जाता है। कल थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको समझाया था, उसमें बताया था कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो याद रखना हमारे पास बोथ ए एंड बी, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, बॉडी फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये फ्यूल का काम करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देखें हमारी ये कोशिश रहती है कि आपका जो टॉपिक है आपने अगर किसी और चैनल से भी पढ़ा हुआ है या हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं ना एमसीक्यूज़ के थ्रू, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया होता है कि हम कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन कहाँ फॉल कर रही है। और वैसे भी हम रात के 9 बजे या 9:30 बजे हम डेली मॉक टेस्ट 10 MCQs का लाते हैं, वो आपने सब ने अटेंड करना है, और वो जो मार्क्स देते हैं आपने खुद मेंशन करने ग्रुप कमेंट बॉक्स में, आपने वहाँ क्या करना है, एक नोटबुक और पेन अपने पास रखना है, 1, 2, 3 ऐसे 10 तक काउंटिंग लिखनी है, जो क्वेश्चन आप ठीक करेंगे उसके आगे टिक का मार्क लगाएंगे, जो गलत तो करना ही नहीं है उसको स्किप करना है, जो छोड़ना है उसको ब्लैंक कर देना है, फिर लास्ट पे अपने आइडिया लगाना है कितने क्वेश्चन हमने ठीक किए, फिर आप वहाँ कमेंट में चेक कर सकते हैं किसने कितने कितने मार्क्स वहाँ पे लिए हैं, और वहाँ पे सारे अपने ऑथेंटिक मार्क्स बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, 7, 5, 9, 6। तो याद रखना हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 9। ठीक है, किसी किसी बुक में 8 भी बताया हुआ है, लेकिन अमॉन्ग 20 अमीनो एसिड से हम अगर हम बात करें, 20 में से जो 9 अमीनो एसिड हैं वो ज़रूरी हैं, जैसे ल्यूसाइन की बात करें, आइसोल्यूसाइन की बात करें, जो हमारे पास ट्राइप्टोफन है, या फिर हमारे पास फिनेला लाइनाइन है, फिर लाइसिन है, उसके बाद हमारे पास मिथोनिन है, वैलिन है एंड थ्रियोनिन है, ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। क्या हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यह आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, कल मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस भी पढ़ाया था, आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हम सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, वो आप लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। मैंने आपको बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, मैक्रो का काम क्या है, माइक्रो का क्या है, मैक्रो की कौन सी एग्जांपल है, माइक्रो की कौन सी है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब पूछा गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या इंक्लूड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल एलिमेंट्स, इसमें मैंने आपको जो 8 और 9 मैंने बताया था, 9 होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और 8 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी बताए थे सारे के सारे, उनके नाम लिखवाए थे, देख सकते हैं आप, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर द क्लासेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन दैट ह्यूमन्स कंज्यूम इन लार्जेस्ट क्वान्टिटीज़। तो इसीलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, वाटर, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ओके, क्लियर, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया मिल्क, मीट, एग, फिश एंड पल्सिस आर गुड सोर्स ऑफ, के जो मिल्क है, मीट, एग, फिश और पल्सिस हैं, ये किसका गुड सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। तो डियरेस्ट पेरेंट्स याद रखना ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स का। ठीक है, जो मीट आप खाते हैं, मिल्क पीते हैं, एग जो होता है, ये सारे के सारे आपको प्रोटीन का काम करते हैं आपकी बॉडी में। तो याद रखना प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु सुजेस्टेड द वर्ड प्रोटीन, किसने जो वर्ड प्रोटीन है इसको सुजेस्ट किया था, सुजेशन किसने दी इसके बारे में, होल्डर ने दी, मोल्डर ने दी, होल्डर ने दी, मोल्डर ने दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल्डर। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक प्रोटियस मीनिंग ऑफ द फास्ट रैंक। तो ये आपने याद रखना है
कि जो वर्ड प्रोटीन है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियस से, जिसका मीनिंग है ऑफ द फर्स्ट रैंक। और ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मोल्डर ने जो वर्ड प्रोटीन है इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। डियरेस्ट पेरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, आप खुद भी आंसर चूज किया करें। फूड हेल्प्स इन, फूड जो है किस में मदद करती है बताएं। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा लाने में। मेकिंग पीपल फाइट, लोगों को फाइट करने में। मेकिंग पीपल लेजी, लोगों को सुस्त करने में। या मेकिंग पीपल एनर्जेटिक, या लोगों को एनर्जी देने में, ताकत देने में। तो सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा क्योंकि एक लड्डू सा क्वेश्चन था, तो ये लड्डू सा क्वेश्चन आपने आराम से कर दिया होगा। फूड हेल्प्स इन, फूड मदद करती है मेकिंग पीपल एनर्जेटिक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज नाउन एज, कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से, उसे क्या कहा जाता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। देखिए, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मैंने आपको कहा था जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे उन्हें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। लेकिन यहां पे ऑप्शंस जो है हमारे पास दो ऐसे दिए गए हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी और सैप्रोट्रॉफिक भी। हम देखें अगर तो आंसर दोनों ही आते हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन हम बात करें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आपको मैंने बताया था, याद रखना ये ऑप्शन दोनों ही आते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है ना, ये भी एक किस्म की आदि किस्में है। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है इसमें क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। किससे ये लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है फंजाई। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज़ कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन, कि जब फूड जो है वो डायरेक्टली वेन्स के अंदर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, पेरेंट्रल, इंटरनल, इंट्रावीनस या सलाइन। तो याद रखना डियरेस्ट पेरेंट्स, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज़ कॉल्ड एज पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इसे क्या कहा जाता है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, व्हेन फूड इज गिवन इन द स्टोमिक और इंटेस्टाइन्स डायरेक्टली देन इट इज़ डैश न्यूट्रिशन, इंट्रावीनस न्यूट्रिशन, सेलाइन, इंटरनल, पेरेंट्रल। तो याद रखना, जब फूड डायरेक्टली स्टोमिक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है तो तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे इंटरनल कहा जाता है, इंटरनल न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे आप याद रखना, इंटरनल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू ए ट्यूब इनटू द स्टोमिक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन, जब क्या होता है कि एक ट्यूब के थ्रू जो है खाने को स्टोमिक में या फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, उसे इंटरनल न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके डियर एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड डैश, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ज़रूरत होती है जिन्हें बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, वो किस नाम से जानी जाती हैं, क्या कहलाती हैं, न्यूट्रेंट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैटी एसिड। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूट्रेंट, ठीक है। सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कल मैंने आपको न्यूट्रेंट के बारे में डिटेल में बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमीलेसिस इन सेलिवा बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू डैश, कि जो एमीलेस होता है सेलिवा के अंदर, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, किस में, फैटी एसिड में, पॉलीपेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स में, सिंपल शुगर्स में। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है, एमीलेस इज ए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, याद रखना, एंजाइम होता है विच कन्वर्ट्स इट इनटू सिंपल शुगर, जो इसे किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर्स में। देखिए, जो सलीवा होता है ये हमारे मुंह के अंदर होता है, सलीवा नहीं होगा तो हम खाने को च्यू नहीं कर सकते, चुबा नहीं सकते, ना ही खाने को अंदर अच्छे से इनगुल्फ कर सकते। ये हमारे पास ऑलमाइटी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नियामत है, उसने हमें बहुत सारी नियामतें दी हैं। देखें, पानी दिया, हवा दी,
हमें क्या क्या हमें आँखें दी, ये सारी के सारी उसकी कर्मनवाजी है। इसलिए हम ना उसकी नियमतों का शुमार जो है वो उसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें एक सलीवा का कितना बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो सलीवा एमिलेस जो है ये एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव क्या होता है, इंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है इसको सिंपल शुगर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द माई पायरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम ए पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फैट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू माई पायरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम की वजह से एक पर्सन जो है वो ऑब्टेन करता है मोस्ट ऑफ देयर फैट कहाँ से, बीफ चिकन एंड फिश से, वेजिटेबल ऑयल्स नट्स एंड फिश से, फैट ऑयल्स एंड स्वीट्स से, मिल्क योगर्ट एंड चीज़ से। तो याद रखना डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द माई पायरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम ए पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल्स नट्स एंड फिश, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता ग्रुप इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन सी कैल्शियम विटामिन डी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता ग्रुप्स इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फूड फ्रॉम द मीट पोल्ट्री फिश ड्राई बीन्स एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, कि जो फूड हमें मीट से मिलती है, पोल्ट्री से मिलती है, फिश से या ड्राई बीन्स से, एग्स से या नट्स से, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स किसका है, आयरन का, फाइबर का, बीटा कैरोटीन का, कैल्शियम का। तो याद रखना डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन का। फूड फ्रॉम मीट पोल्ट्री फिश ड्राई बीन्स एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द मिल्क चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, ये किसके लिए ज़रूरी हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए, ऑल ऑफ द अबो। तो याद रखना द मिल्क चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल्स, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स फैट्स है। क्या है, फैट्स की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू पहले होता क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फूड और फ्यूल। क्या कहा मैंने, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है किसी फूड में या फ्यूल में, एंड विच इज़ डिटरमाइंड बाय द कंप्लीट कंबस्चन, और फिर वो डिटरमाइंड किस तरह से होती है, कंप्लीट कंबस्चन से, उसके पूरे जलने से, आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी पे एट कंस्टेंट टेम्परेचर पे एंड इन नॉर्मल कंडीशन पे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैलोरीफिक पावर भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किलो जूल है या पर किलोग्राम, और आप इसे केजी पर किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो याद रखना फैट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन। कल मैंने विटामिन का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, साइंस की प्लेलिस्ट में जाना और वहां से इसको देख लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यह आप जाके लेक्चर देख लेना वहाँ पर। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव किसको कर देती हैं, विटामिन ई को, डी को, सी को, बी को, कि जब आप क्या करते हैं सब्ज़ी को धोते हैं तो उससे कौन सी विटामिन रिमूव हो जाती है, विटामिन सी, ठीक है। याद रखना विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी इज़ लॉस्ट व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पील्ड, जब आप उनकी पील्ड उतारते हो या उनको धोते हो। तो याद रखना व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी पील उतारना, धोना नहीं, पील होता है उसका छिलका उतारना, द विटामिन इज़ लॉस्ट, विटामिन क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। व्हेन द फूड सब्सटेंसेस आर कट एंड देन वॉश्ड आल्सो एक्सपोजिंग द कट वेजिटेबल्स टू एयर बिफोर कुकिंग कॉजेज द लॉस ऑफ विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन ईजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाता है ईजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एग, एल्बुमिन, सोयाबीन, फिश फ्लैश, रेड मीट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है सोयाबीन इज कंसिडर्ड एज ईजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सोयाबीन इज कंसिडर्ड द ईजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन की जब बात करते हैं हम, सोयाबीन प्रोटीन हैज़ ए हाई डाइजेस्टेबिलिटी, और याद रखना रेट कंपेयर टू द प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, द डाइजेस्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज इफेक्टिवली, कि जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी क्या कर सकती है, ऑब्जर्व भी कर सकती है और यूटिलाइज भी कर सकती है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। कौन सा ऐसा मेटल है जो कंस्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो डियर एस्पेरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B12 इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, सोयानो कोबाला माइन कॉल बताया था, और कोबाल्ट कंटेन कोबाल्ट मेटल। तो याद रखना विटामिन B12 के अंदर ही यह कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो समटाइम रेफर टू एज विटामिन H। इनमें से किसको रेफर किया जाता है कुछ टाइम के लिए विटामिन H के तौर पर भी, केरेटिन, नियासिन, बायोटिन, राइबोफ्लेविन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बायोटिन, आल्सो नोन एज विटामिन B7। कल मैंने पढ़ाया था, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिसेंटली ए कंपाउंड सल्फरोफेन हैज़ बीन डिस्कवर्ड टू ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी फाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली ये कंपाउंड जो है, जो सल्फरोफेन है, ये डिस्कवर्ड किया गया प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए कैंसर के अगेंस्ट, ये किस में पाया जाता है, मिल्क में, फिश में, टी में, ब्रोकोली में। तो याद रखना ब्रोकोली के अंदर ये पाया जाता है। तो ये सब्ज़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सेहत के लिए अच्छी भी है, आप इसको खा सकते हैं। ओके, मार्केट जाएं और इसको ले आएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया आपसे, विच आर द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल्स। कौन सा इनमें से ओमेगा 3 का रिच सोर्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेबल्स, वीट प्रोडक्ट्स। तो याद रखना डियर एस्पेरेंट्स, कॉड लिवर ऑयल जो होता है, ये हमारे पास रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 ऑयल्स का, ठीक है। याद रखना दिस की बात, इसकी बात करते हैं, अदर फिश की बात करें, अदर फिश ऑयल्स की, आर अमोंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये मदद किस में करते हैं, हेल्प फाइट इन्फ्लामेशन, जो जलन होती है, एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, और ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंस्टिट्यूएंट्स इज नॉट डाइजेस्टेड बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन ये फिर भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाइट्री फाइबर्स, ठीक है। दिस इज ए वेजिटेबल एलिमेंट दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाई अवर बॉडी, दिस ऑनली हेल्प्स इन इंटेस्टाइनल रेगुलरिटी, और ये मदद करता है इंटेस्टाइनल रेगुलरिटी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो फूड के अंदर पाए जाते हैं, किसको छोड़ के, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये हमारे पास फूड के अंदर नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन फूड। ये एक यूनिट है एनर्जी का और ये इंडिकेट्स, ये बताता है कितनी एनर्जी कंटेंट होती है फूड के अंदर, लेबल, फूड गाइड, पिरामिड, कैलोरी, बास्केट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन फूड, आज से बोलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डैश कैल्शियम, विटामिन C, B, A। तो याद रखना सबको आपको पता होगा, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ये एक्सीलेंट सोर्स होते हैं विटामिन सी का, किसका, विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो ज़रूरी है बिल्ड करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, फाइबर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन जो है न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, All of the following are needed for strong bones. सारे के सारे जो हैं उनकी ज़रूरत होती है strong bones की, लेकिन किसको छोड़ के, थायामीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है थायामीन। थायामीन क्या है, इज़ एन इंपॉर्टेंट को फैक्टर फॉर द की एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स एंड द सिंथेसिस ऑफ जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, बट नॉट इन द ग्रोथ ऑफ बोन। तो ये आपने इसके बारे में पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है जी। देखें अगर कोई हमारे चैनल है तो वो हमारे चैनल को क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8492888
6188, ठीक है। इस पर मैसेज करना कि हमें फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम में जो हमारे पास ग्रुप है उसमें ऐड कर दो, हम ऐड कर देंगे। चलिए, विच न्यूट्रेंट इज़ नीडिड फॉर ए हेल्थी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, कि कौन सा न्यूट्रेंट जो है वो ज़रूरी होता है हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के लिए। फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, फ्लोराइड। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन सी इज़ नीडिड फॉर हेल्थी इम्यून सिस्टम। अगर आपको हेल्थी इम्यून सिस्टम चाहिए ना, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, तो विटामिन सी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आपने क्या क्या यूज़ करना है विटामिन सी, किस किस से आपको मिलेगी? आप ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी में रिच होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ का, नाम सुना है आपने, स्ट्रॉबेरीज़ इसमें रिच होती हैं विटामिन सी में। उसके बाद पपाया, जो पपीता आप खाते हैं, ठीक है, वैसे भी ये लीवर के लिए अच्छा होता है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। और जो पिंक ग्रेप फ्रूट होते हैं वो आप ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा था, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया दिस मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स, ओके, एंड ए डेफिशिएंसी माइट काजेज एनीमिया। ये जो मिनरल है ये ज़रूरी है हेल्थी रेड ब्लड सेल्स के लिए, एंड ए डेफिशिएंसी माइट काज एनीमिया, और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन। क्या है? आयरन इज़ द राइट आंसर। आयरन इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट काज एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। दिस विटामिन इज़ नीडिड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा। तो आपसे पूछा गया ये विटामिन जो है ये नीडिड, ज़रूरी है प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए बर्थ डिफेक्ट को, जिसे आप कहते हैं स्पाइना बिफिडा। विटामिन डी, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई। कल भी मैंने विटामिन के चैप्टर में जब क्लास ली थी मैंने आपको पढ़ाया था फोलेट, इंपॉर्टेंट याद रखना, फोलेट इज़ नीडिड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच न्यूट्रेंट इज़ नीडिड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन्स एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। कौन सा न्यूट्रेंट ज़रूरी है हार्मोन्स को बनाने के लिए, हेल्थियर स्किन को बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन B12, फैट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है फैट, ओके। फैट न्यूट्रेंट इज़ नीडिड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन्स एंड मेक सेल मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड फूड्स विच आर रिच इन, कि जो पर्सन सफ़र करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से उनको अवॉइड करना चाहिए कौन सी फूड को? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है, यानी सोडियम का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, यानी जो साल्टी फूड होती है। कंसम्पशन कैन एलिवेट ब्लड प्रेशर होगा इससे। मैनी पीपल ईट टू मच सोडियम विदाउट रियलाइजिंग इट। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स एंड फास्ट फूड्स यूजली कंटेन सक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सोडियम, ऑफन मोर देन, अगर हम यहाँ बात करते हैं 2300 मिलीग्राम्स ए पर्सन शुड कंज्यूम डेली। तो ये थोड़ा आपके लिए हानिकारक है, तो आपने इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड कॉल्स फॉर ईटिंग डैश सर्विंग ऑफ ब्रेड, सीरियल्स, राइस एंड पास्ता ग्रुप्स। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डेली जो फूड गाइड्स कॉल्स दी है खाने के लिए, कितने मतलब सर्विंग ब्रेड्स या सीरियल या राइस या पास्ता ग्रुप्स? 1 से 3, 4 से 5, 6 से 11, 12 से 15। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 6 से 11 सर्विंग जो हमारे पास ब्रेड के, सीरियल्स के, राइस एंड पास्ता ग्रुप्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर यूजली कंसीडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ, के जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं ये किसका गुड सोर्स माना जाता है? प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, या फिर स्कैलियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजली कंसीडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ, किसका है? विटामिन एंड मिनरल्स का, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज फैट शुड ए हेल्थी मेल बॉडी हैव, कि कितनी परसेंटेज जो है फैट होना चाहिए एक हेल्थी मेल बॉडी का? 12 से 18%, 5 to 10%, 20 to 22%, 1 to 4%। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है, 12 से 18%, ठीक है। देखिए आंसर इन जनरल, द टोटल जो बॉडी फैट परसेंटेज है एसेंशियल प्लस स्टोरेज फैट इज़ बिटवीन 12% से 15% होनी चाहिए फॉर यंग मेंस के लिए, एंड बिटवीन 25 से 28% होनी चाहिए फॉर यंग वूमेंस के लिए। तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर बायोफिल्म दैट बिल्ट अप ऑन द टीथ, कौन सी टर्म यूज़ की जाती है बायोफिल्म के लिए,
जो बिल्ड करती है, जो बिल्ड अपॉन होती है टीथ पे, टार्टर, डिके या फिर गिंगिविटीज़ या फिर प्लेकू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डेंटल प्लेकू। ठीक है, डेंटल प्लेकू की बात करते हैं। प्लेकू की तो ये कलरलेस अर्वाइटिस बल्स्टांस होता है दैट बिल्ड अप ऑन द टीथ एंड गम्स पार्टिकुलरली एट द गम मार्जिन और इट्स अ बायोफिल्म मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया द मेजॉरिटी ऑफ विच आर ओनली फाउंड इन द ओरल कैविटी। तो ये अपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर एन इंक्रीज इन मसल साइज। एक दूसरा वर्ड जो हमारे पास इंक्रीज इन मसल साइज के लिए क्या यूज होता है, एंट्रोपी, यूनि आर्टिकुलेट, अमेलगामेशन, हाइपरट्रोपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज एंड ग्रोथ ऑफ मसल सेल्स। हाइपरट्रोफी रेफर्स टू एन इंक्रीज इन मसल साइज, मस्कुलर साइज अचीव थ्रू एक्सरसाइज। तो ये अपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर और फिटनेस में, बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर एंड फिटनेस में, चाहे हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें, रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें, एडिक्वेट स्लीप की बात करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया आपसे, ए बैलेंस्ड डाइट रेफर्स टू ए वे ऑफ ईटिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी ओके नीड टू फंक्शन प्रॉपरली। कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस डाइट है ये ज़रूरी है, ये प्रोवाइड करती है आपको जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। और इट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन सोर्सेज एंड हेल्थी फैट्स। द गोल इज टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आपको ये जो स्टेटमेंट पूछा गया ना, ये आपको बैलेंस डाइट के बारे में पूछा गया, क्या ये सारी बातें करेक्ट हैं, इसके अंदर ये पूछा गया था ट्रू या फॉल्स। तो ये सारी बातें ट्रू हैं, ये नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द नेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS is a comprehensive public health initiative launched by the government of India. Its main objectives are to prevent and control non-communicable disease like cancer, diabetes, cardiovascular disease and stroke which are major contributors to morbidity and mortality in India. क्या ये बात सच है, ट्रू है, ये फॉल्स है? नेशनल जो हमारे पास प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर या डायबिटीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो छोड़ नहीं सकते, जब टॉपिक ही हमारा इस पे बेस था 1920, 1948, 1975, 2000, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, 1948 में। ठीक है, founded in 1948, World Health Organization is the United Agency that ये क्या करती है, connects करती है nations को, partners को and people to promote health को promote करने के लिए, keep the world safe and serve the vulnerable। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया what is where is the headquarter of WHO, तो न्यूयॉर्क सिटी USA, बीजिंग चाइना, लंदन UK, जेनीवा स्विट्जरलैंड। तो डियर एस्पेरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये अपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, या टू एड्रेस ग्लोबल पॉवर्टी, या टू रिजॉल्व इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स। तो याद रखना, मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ये हेल्थ के लिए है, तो ऑप्शन बी होगा। एंड इट्स एक्सपर्टाइज लाइज ऑन टू कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस लाइक पैनडेमिक्स, एपिडेमिक्स एंड अदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री वॉज मोस्ट रिसेंटली अवार्डेड मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन वर्ल्ड बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस कंट्री को अभी अवार्ड किया गया है मलेरिया फ्री होने से, बिलाइज, EL सलवाडोर, या कैबो वर्डी, या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबो वर्डी। ओके, द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू बी सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज कैबो वर्डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करंटली 2024 तक कौन है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन है मार्गरेट चैन, या फिर टेड्रोस एडहोनम, या फिर ग्रो हैरलेम ब्रंटलैंड, या फिर
हिरोशि नाकाजीमा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेड्रोस जो एडहोनम है ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के करंटली डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 50 डिस्कस किए। रात को 9 या 9:30 बजे हमारा मॉक टेस्ट होगा। आज जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट का तीसरा सब यूनिट है उसका होगा जो स्पेशलाइजेशन का है, ठीक है। बाकी आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।